मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 24 विवेक पे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डिस्कशन में दी गई लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप लोगों को इस वीडियो में 22 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ में उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था कि निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाक्षी सिन्हा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोनाक्षी सिन्हा। तो बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खाल के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की जरूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। किसको किया गया सम्मानित? तो सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो आप लोग कमेंट में इसका कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन 22 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता है? हु हैज वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट सिटीज मिशन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो स्मार्ट सिटीज मिशन ने 2022 डिजिटल अवार्ड इंडिया अवार्ड जीता है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड होता क्या है? तो यह अवार्ड 2009 में शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा इस अवार्ड का संचालन किया जाता है। इस वर्ष 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। किसका? डिजिटल इंडिया अवार्ड का। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन नंबर टू, देखेंगे कि भारत के मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया? इन विच ईयर इंडियाज मैन्ड गगनयान विल बी लॉन्च्ड? दोस्तों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 की चौथी तिमाही में मानवयुक्त गगनयान को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। क्लियर है? तो अब देखेंगे गगनयान मिशन आखिर दोस्तों होता क्या है। तो गगनयान मिशन के बारे में भी जानेंगे कि गगनयान परियोजना की कल्पना 2007 में की गई थी और इसे औपचारिक रूप से 2018 में 10,000 करोड़ कितने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। चार भारतीय वायुसेना के पायलटों को मिशन के लिए चालक दल के रूप में चुना गया है जो रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसरो के अनुसार LMV-3 रॉकेट का उपयोग गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो इसरो क्या है? ये भारतीय स्पेस रिसर्च एजेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों थ्री क्या है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो विच कंट्री विल बी होस्ट द 36th एशियन रेस्टलिंग चैंपियनशिप 2023? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, भारत। ठीक है, तो भारत नई दिल्ली 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने की है। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिराज सिंधिया।
आसन नंबर बी ज्योतिराज सिंधिया, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने देश की राजधानी में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा को लॉन्च किया है, और ये क्या है नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं ज्योतिराज सिंधिया। तो कंपनी ने पुणे स्थित कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके इस तरह के पहले स्टील का निर्माण करेगा, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है। दोस्तों किसे उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा, भारत की उड़नपरी पीटी उषा। तो राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा के सांसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया था। दोस्तों मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया था। पीटी उषा भारत के केरल राज्य के रहने वाली खिलाड़ी हैं। पीटी उषा को उड़नपरी भी कहा जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सरकार ने 2022-23 के लिए कितने पोषक अनाज को उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 205 लाख टन। कितना? 205 लाख टन। भारत ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पाद का लक्ष्य रखा है। पोषक अनाज फसलों में ज्वार बाजरा, फिंगर बाजरा और छोटे बाजरा जैसे कुटकी, कोदो बाजरा, बर्नार्ड बाजरा, झंगोरा फांसफेल बाजरा एंड प्रोसो बाजरा, इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए क्या है? म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या UNSC, ठीक है, क्या है UNSC ने 21 दिसंबर को 74वें म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है। इसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई है और सेना के द्वारा अप्रसिद्ध नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट प्राप्त हुए हैं। भारत इस वोटिंग में अनुपस्थित रहा। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है RRR फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसी फिल्म का गाना है। SS राजामौली को फिल्म RR का गाना नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नाटू नाटू जो गाना है RR का, यही 2023 ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। यह गाना बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है, RRR मूवी का नाटू नाटू गाना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम के दिन पर इस खास दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। लोगों को गणित के प्रति जागरूक करना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। तब रामानुजम के बारे में कुछ पॉइंट भी देखेंगे साथ में कि श्रीनिवास रामानुजम का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, पचैयाप्पा कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने संख्या सिद्धांत, गणित विश्लेषण, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार शुक्ला। क्या? ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार शुक्ला। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AE
AERB का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है, दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं वो श्री नागेश्वर राव की जगह लेंगे। अब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। दोस्तों ये थे 23 दिसंबर के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आज का प्रश्न आप लोगों के लिए कि हाल ही में जारी 2022 वैश्विक संख्या सुरक्षा सूचकांक में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये लोग इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 23 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कराए गए हैं। तो नेक्स्ट डे में मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।